Namaste, everyone. Good evening to you all. Sorry, I was just running a few minutes late. I was just concluding my evening prayers. आप सबको मेरा नमन. और हम एक और सेशन के लिए आज आए हैं यहाँ. ये आज का जो सत्संग सेशन है, आप सबको पहले नमस्कार है ना. जो आज का सेशन है, इसमें हम थोड़ी सी चीजों पे बात करेंगे. हम चाहते कि वो ही जो थीम है जो चलती जा रही है हमारे सत्संगों में, उसके साथ जुड़े हुए, मगर कई विषय होते हैं जो जुड़े होते हैं. जैसे आज के विषयों में हम कोशिश करेंगे बात करने की जिज्ञासा क्या है. दिस इज डिजायर टू अंडरस्टैंड थिंग्स. सो वी आर ट्राइंग टू होल्ड दीज सत्संग्स, दीज स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज, काइंड ऑफ कनेक्टिंग ऑल ऑफ द प्रीवियस वंस. बट यू नो देयर आर वेरियस इश्यूज दैट आर ऑल इंटरकनेक्टेड. सो टुडे वी विल लुक एट an issue called jigyasa, which is your desire to know. You know, how important is that? And a very powerful mantra, Namah Shivaya. So the power of mantras and the power of how we can start increasing our spiritual prowess, if you like, our sattvic energies, our positive energies inside us, what we call the good nature within us. तो हम अपने सात्विक स्थिति को कैसे बढ़ाएं? मंत्रोच्चारण इसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा है. उस शक्ति का नाम, उस एक लय में, उस ध्वनि, एक ध्वनि में मंत्र एक बहुत ही प्रिसाइस चीज है. जो मंत्र जाप है उसको आप कह सकते हैं ये गणित है, ये मैथमेटिकल है, ये परफेक्ट जियोमेट्री भी है. तो जिस लय में हम करते, कितने कैसी ताल होनी चाहिए, कितना कैसे आपको वो बोलना है, कितने उसकी बीट्स है, ये सारा कुछ ये मंत्र जाप में आता है, है ना. तो एक मंत्र, उसके ऊपर आज हम विषय के ऊपर बात करेंगे, वो है नमः शिवाय. उससे हमारी सात्विक ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, हमारी आध्यात्मिकता कैसे प्रबल होगी. हाउ विल वी इंक्रीज दैट पावरफुल positiveness within us, that positive prayer, that sattvic level, we call it the nature of goodness. वो सात्विक स्थिति हमारी कैसे बढ़ेगी, ये मंत्र जाप से होता है. मंत्र का मतलब ही जो मन की रक्षा करता है, जो हमारे मन की विकृतियां है ना, वो बार बार उठती है ना, सोच बार बार उठती है. तो there are many thoughts that arise, that thoughts then lead to emotions, yes? So emotions follow thoughts, and sometimes emotions obviously run for longer. Thoughts may come and go very quickly, but जो ये विचार उठते हैं तो उसके बाद हमारे भाव उठते हैं. भाव जो है वो काफी देर चलते हैं. कभी कभी जो विचार है उठते रहते हैं, बैठते रहते, उठते रहते, बैठते रहते. तो उनके ऊपर कैसे निरंतर आए. मंत्र एक चीज है जिससे हमारे मन की रक्षा होती, मंत्र है ना. तो ये संस्कृत का शब्द है. The word itself is two syllables, manantra. Man means the mind, if you like, or thoughts, or whatever processes of emotions and so on. Antra is to protect you from them. Why? Because otherwise, like a monkey jumps from one tree to the other. That's how the mind jumps. It can be here in one moment, it can be in India the next moment, it can be on planet Mars the next second, and it could be at the very ends of the universe, wherever it perceives, whatever it perceives, you know. तो जो मन है उसकी व्यापकता इतनी है, वो इतना चंचल है, बंदर की तरह मकड़. एक आसन भी है ना योग में आता है, मकड़ आसन. तो वो कैसे हम अपने वो स्पाइन को ठीक करते हैं, बंदर ही ऐसे लेटते हैं ऐसे नीचे, और फिर हमने पांव को ऐसे साइड साइड करते हैं ऐसे. तो बंदर की तरह हमारा मन होता है कि वो एक जगह से ऐसे टप के यहाँ आ जाता है, टप के यहाँ चले जाता है. क्योंकि एक क्षण में हम यहाँ होते हैं लंदन में, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ यूके में, एक क्षण में मैं इंडिया में पहुंच गया अपने मन के साथ, एक क्षण में मैं वहां अमेरिका पहुंच गया, बाहर उस है ना जुपिटर पे पहुंच गया जहां पर भी, बस मन की ये चीज है. तो उसको कैसे थोड़ा सा कंट्रोल करना, एक आग्रित कैसे करना. सो हाउ टू कंट्रोल द माइंड बट नॉट फोर्सफुली. इट्स डन इन अ वेरी सटल वे. मंत्र इज अ वेरी सटल थिंग. नमस्कार जी.
And then the mantra is a very, very subtle thing. It's not like, oh, you're forcing, you're stopping your thoughts. No, you can't do that. The brain has to function. The brain will generate thoughts and emotions. But every part of the body will have its function and will do things, yes? So you can't stop anything. So this is, so how do we create a situation where we don't forcefully try and stop our thoughts? We shouldn't do that because the brain has to function. The brain will think and emotions will arise. But how can you create that positive environment? One of the ways is mantras. And one of the most powerful mantras is Namah Shivaya. That which is not. It's Namah Shivaya. उसका मतलब नमः शिवाय का मतलब जो नहीं है और क्या नहीं है, ये है प्रश्न. प्रश्न तो ये है कि नमः शिवाय का मतलब है जो नहीं है, that which is not, और क्या नहीं है, and what is it that isn't, that नमः शिवाय is not, but yet we should chant it. Why? So that we can go beyond that which we are not to that which we are. ये शब्दों का जाल नहीं है. जिज्ञासा है आप में. Do you have the desire, the emotion to know? I hope you do. If you do, great. That's probably why you're here. And if you don't, never mind. But keep listening. That jigyasa, that desire to know might arise. So bless all of those of you who have got jigyasa and bless all of those of you who don't. Obviously, the ones who don't have the jigyasa, even more blessings towards you. तो आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए जानने के लिए आपके में क्या जिज्ञासा है. तो मैंने कहा कि नमः शिवाय वो जो हम, वो जो नहीं है. अब आप में जिज्ञासा है जानने के लिए कि नमः शिवाय हम फिर क्यों बोलते हैं, ताकि हम जो नहीं है उस जाप के द्वारा हम वहां जाए जो जो हम है. तो क्या इसमें इससे कोई जिज्ञासा आप में उठी? अगर उठी तो बहुत अच्छा, आपको आशीर्वाद सबको. और जिनकी जिज्ञासा नहीं उठी आपको तो और भी आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि वो जिज्ञासा उठनी चाहिए. अगर नहीं उठी कोई बात नहीं, बस आप जुड़े हो, जुड़ते ही रहो, ऐसे ही सुनते रहो, कभी ना कभी वो जिज्ञासा उठ जाएगी. Yeah? So, doesn't matter where we are, we shouldn't get too worked up about it, yeah? Just keep an open mind, listen, be there, here, be now, here in the present. There should be a condition, you know, when you listen to satsang. You must make sure you're listening carefully. You must make sure you're not disturbed by other people talking around you. You must make sure your TV, your phone is off, switched off. You must make sure you're not just here in body, or just in, but your mind is connected also. Not just looking at me. You don't even need to see me. You just need to hear me. तो जब एक शर्त होनी चाहिए यहाँ पर सत्संग में आने की, कि एक तो आपको एकांत में होना चाहिए, या अगर परिवार के साथ बैठे वो सब शांत बैठ के सुन रहे, कोई आपको विचलित नहीं कर रहा, कोई बातें नहीं कर रहा. फोन आपका बंद है, टीवी आपका बंद होना चाहिए. और आप सिर्फ यहाँ शारीरिक स्थिति पे नहीं होने चाहिए, आपका मन भी जुड़ना चाहिए. ये नहीं कि आंख ही मुझे देख रही, देखने की तो आवश्यकता ही नहीं, सिर्फ सुनने की आवश्यकता है और फिर समझने की. और वो भी मैंने कई बार कहा है, ये जरूरी नहीं कि आप उसी को तुरंत समझ लो. इस वीडियो को बार बार देखो, फिर सुनो, फिर समझने की कोशिश करो, ऐसे सुनते रहो. मगर कम से कम हो तो हो ना, यहां पर हो इस स्थिति में, इस वर्तमान में होना चाहिए. वी नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट ऑलवेज. पीपल आर्ट इन द प्रेजेंट. They're sitting in the present. Their mind is ever elsewhere. What a waste, है ना? कितना हम अपने जीवन को ऐसे वेस्ट कर देते हैं ना, व्यर्थ ये चीजें हैं कि यार दिमाग इधर उधर. अगर आप इधर बैठे हो तो इधर ही रहो ना आप. उधर जाने की क्या जरूरत है, मन के साथ आप उधर जा रहे हो, बैठे इधर हो, ये जरूरी है. तो ये शर्त होनी चाहिए, नहीं तो और फिर आप बीच में आ जाते हो सत्संग के. और जो बीच में आते हैं वो जो जो सोचता है, जो सत्संग दे रहा. तो मैंने तो कई चीजें बता दी, वो ये सारी इससे रिलेटेड है. अब ये इनको ये कहां से ये पिकअप करेंगे, तो किसका नुकसान हुआ? चलो कोई बात नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, फेसबुक है, रिकॉर्डेड है, आप फिर से देख लेना. बट ये एक अनुशासन लेके आना चाहिए कि आरंभ में आए, शुरुआत में आए, पूरा सुने, यहां पर ही रहे. सो देयर शुड बी दिस डिसिप्लिन टू बिगिन एट come at the beginning of the satsang, to stay in it, to listen to it carefully,
try and understand it. And if you don't understand it, it's modern technology. You can replay. Once it's over, it's in the Facebook. So, what is Namah Shivaya? And before I explain what is Namah Shivaya, let's work it backwards. Namah Shivaya. Ya. Fir va. Fir shi. Fir ma. Fir na. So let's look at it backwards. Let's work backwards. So Namah Shivaya, these five syllables, work backwards, is ya, va, shi, ma, na. Wo jo hamare shastra hai, our scriptures say, that in the beginning, when there was nothingness, nirvana, nirvana, nirvani, vani is voice, nir means not even voice, not even sound. Jab nirvana tha, phir ek ichha hui ke srishti ho. So when there was nothingness, there wasn't even voice, that's what it means, nirvana. Nir means none. And vani means voice. Where there wasn't even voice, there wasn't even sound, it was just silence. But then there was a desire suddenly, like a seed germinates, and a desire to create, and for desire for life to live again. So then came this huge eruption. Many eruptions, maybe, not just one, but they call it the Big Bang. Look how closely it's linked with our scriptures. There is no negation of the Big Bang. There must have been several. How many? Some say 84. It's a very sacred number. So, when Bhagawan, when God, जब भगवान ने सोचा कि अब सृष्टि होनी चाहिए, अब ये बहुत शांति रही है, सब शांत है, सब कुछ शांत, सब शून्य है, अब वहां से आवाज निकलती है, उस प्रणव की आवाज निकलती है जो सृष्टि की रचना करता है. दैट साउंड विच क्रिएट्स, विच इज कॉल्ड प्रणव, विच इज कॉल्ड द ओंकार, द ओम कम्स आउट. एंड एज इट कम्स आउट, स्पेस इज क्रिएटेड इन फ्रंट, यह इज क्रिएटेड. तो जैसे वो ध्वनि बाहर निकलती है प्रणव की, ओंकार की, भगवान के मुख से, तो वो यह पहले वो आकाश आगे बनाता है. आकाश ये जो सारा स्पेस है, क्योंकि वो ध्वनि एक वायु है. बिकॉज दैट साउंड इज अ वर्ड, इट इज अ वाइब्रेशन, इट इज अ पल्सेटिंग एक्शन, इट्स अ पल्सेटिंग एनर्जी, इट्स वायु, इट्स इट क्रिएट्स व. So then wind comes into that space. तो वो वायु फिर उस आकाश में दौड़ती है, और जब वायु आकाश में दौड़ती है, उससे शी पैदा होती है, मतलब शी का मतलब अग्नि. Then as that वायु, that wind, that air speeds through this God speed, as it speeds through the space of the universe, as it's ever expanding, and the space starts expanding because of this word coming out. And as it's expanding the space, the vayu is coming in as well. The word, the va is coming, and it's spreading the word. And that spreading of the vayu, the wind, creates, as it goes at God's speed, it creates fire, shi. अग्नि पैदा होती है जब वायु तेज अपनी गति पकड़ती है. जब वो अग्नि पैदा होती है तो मह आता है, मह जो है जल, क्योंकि वो ठंडक के साथ, वो उस आकाश की ठंडक के साथ, वो वायु, वो जब
वो अग्नि जब उसके साथ रिएक्ट करती है, उस ठंडक के साथ, फिर वहां से ये जल पैदा होता है. सो इट क्रिएट्स दैट फायर, देन क्रिएट्स वॉटर दैट स्टार्ट्स कमिंग, एंड दैट वॉटर स्टार्ट्स सेटलिंग एंड बिकमिंग अर्थ. न तो वो जो जल है वो बैठने लग जाता है, वो फिर पृथ्वी बनती है, अर्थ. न नमः शिवाय, वो ऐसे निकले उल्ट य व शि म न, तो वो बने नमः शिवाय. ये जो हम नहीं है मगर जिससे हमारा शरीर बनता है, और हम शरीर तो है ही, दैट विच वी आर नॉट. नमः शिवाय, अ वेरी पावरफुल मंत्र टू लॉर्ड शिवा. But we are not that because it is the five elements. ये पांच तत्व है, हम इनसे हमारा शरीर बनता है, मगर हम ये नहीं है. So our body is made out of Namah Shivaya. And when we die, जब हमारी मृत्यु होती है, हम वापस Namah Shivaya करते करते ये पांच तत्व यहाँ ही छोड़ जाते हैं. And when we die, by chanting this holy name, we can easily allow these five elements to just merge back in. It's like Bhagavan Krishna says, it's taking off one set of clothes and in the most beautiful, easiest manner, you take on another set of clothes, another body later. The Atma on its journey, if it needs to take life again. If it needs to take life again. The soul, whatever you want to call it, that energy, that is inside these five elements, that then is us. And we are inside this shell of these five elements. तो हम इस शरीर के अंदर है जो पांच तत्वों से बना है, और हम जो है वो हम एक कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है, कोई आत्मा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो उसके अंदर है. तब उसमें जान आ जाती है. वैसे तो पांच चीजों को हम इकट्ठा कर लें तो वहां जान थ्रो आ गए स्टेट पे, कुछ आता ही है ना बीच में, तभी वो जान आती है ना. सो अदरवाइज यू कैन जस्ट एक्युमुलेट दोस फाइव एलिमेंट्स, यू डोंट जस्ट हैव अ ह्यूमन बीइंग देयर, डू यू? समथिंग कम्स इनसाइड, सम प्रोसेस हैपेंस, सम बायोलॉजिकल प्रोसेस हैपेंस. नमः शिवाय, नमः शिवाय. एंड बाय चैंटिंग दैट व्हिच वी आर नॉट, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दैट इज व्हाट वी आर नॉट, एंड वी गिव इट बैक. और उसी मंत्र का जाप को करने से हमें बोध होता है, हमें ज्ञात होता है कि हम ये नहीं है, ये पांच तत्व हम नहीं है, ये नमः शिवाय हम नहीं है. तो क्या है हम? वो जो अंदर एक शक्ति है, एक ऊर्जा जो हमें जान देती है, जो हमें प्राण खींचने की शक्ति देती, दैट फोर्स, दैट पावर, दैट एनर्जी, व्हाटएवर इट इज दैट इज इनसाइड यू, दैट गिव्स यू द एबिलिटी टू पुल द प्राणिक फोर्सेस इन, दैट इज नमः शिवाय. वेरी पावरफुल मंत्र, एंड दैट्स इट, इट्स कॉल्ड पंचाक्षर मंत्र. इट्स अ फाइव सिलेबल मंत्र. नो, डोंट ऐड प्रणव इन फ्रंट ऑफ इट, डोंट ऐड ओम इन फ्रंट, जस्ट नमः शिवाय. चैंट दिस, just chant namah shivaya, namah shivaya. Don't add uske samne pranav mat lagana, omkar nahi lagana, sirf ye panch akshon ka stok mantra hai, namah shivaya, isko ja, iska jap kare, taki hum sharir se in panch tatvon se aage ja sake, so that we can start going beyond these five and start understanding what is it we are, what is the soul, what is the spirit, आत्मा क्या है, जीव आत्मा क्या है, जीव क्या है. तो मन को शांत पहले करोगे तभी इन जिज्ञासिक प्रश्नों का उत्तर मिलेगा. First try and calm these waves of thoughts and in the most nicest way through this kind of a mantra, and then only when there is some calmness will you get some answers, won't you? You have to do it to realize. अनुभव करना पड़ेगा ना, कुछ भी मेरे बोलने से थोड़ा हो जाएगा, करने से होगा ना.
अगर आप करोगे नहीं, उसको अनुभव नहीं करोगे कि पता कैसे लगेगा, तो करो 40 दिन तक कम से कम तो करो इस मंत्र जाप का, मगर एकांत में एक दिया जला के बैठो बस, just light a lamp, a candle, whatever, oil lamp, whatever, and just sit and chant for a certain number of minutes for 40 days. Try it. See what awakening happens. Utishta kaun hai? Bhagwan Krishna says to Arjun in the Bhagavad Gita, Bhagwan Krishna kehte utishta kaun hai? Utho, utho. Kya uthna chahiye? Hamara sharir uthna chahiye? या हमारी चेतना उठनी चाहिए. Should our is भगवान कृष्ण asking अर्जुन उत्तिष्ट कौन थे, get up, arise, or is he asking him to arise physically only or to awaken beyond the physical, to understand what we are? Arise and awake, even Swami Vivekananda said that, arise and awake, है ना? तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था उठो, जागो, जागृत हो. तो ये कैसे होगा? सो हाउ आर वी गोइंग टू अराइज? जिज्ञासा, अ डिजायर, अ डीप डिजायर टू नो, इनक्विजिटिवनेस, जिज्ञासा. विदाउट दैट हाउ कैन यू अराइज? बिकॉज अदरवाइज यू Just say everything's fine, it's just normal, it's just stuff, just let's just live and enjoy. Fine, yes, enjoy life, live. It's important too. Haan, jiyo, bas zindagi ko jo bhi hai, wo bhi jaruri hai, jina bhi jaruri hai, magar, agar koi jigyasa hi nahi hogi, to aap kabhi koi khoj hi nahi hogi, to jeevan thoda sa khali khali ho jata. There's an emptiness, if there's no inquisitiveness, there's no secret, no mysteries. It's nice to have mysteries that you can solve. Everything is solvable, maybe. But jigyasa, first thing is inquisitiveness. Pehle jigyasa to ho. Prashna, jo shishya prashna poochta hai. The desire, the pupil that asks questions. Doesn't matter if they're, they seem like silly questions, but you must be have that questioning mind. This is our dharma, by the way. Our dharma teaches us to be inquisitive, to ask questions, not to just accept things like that. Hamare dharma mein jigyasa bahut avashyak hai. Shishya ko apne guru se baar baar prashna poochte hain. Sabhi ne prashna hi poochte hain. कोई भी आए, अवतार भी हमारे महापुरुषों के भी आए, कोई भी हमारा पुरुष महापुरुष कोई भी आते, क्या होता? हम प्रश्न पूछते हैं. ये हमारा धर्म है, ये हमारा कल्चर है, बहुत अच्छा कल्चर. ये ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेते सब कुछ, ठीक है ये लिखा है इसको स्वीकार करो बस. नहीं, वी डोंट जस्ट से ओह दिस इज रिटन एक्सेप्ट दिस. नो, वी से क्वेश्चन, इनक्विजिटिवनेस, जिज्ञासा. एंड देन मेबी the grace will fall upon us. Phir shayad kripa drishti bhagwan ki hamare upar pad jaye. Jigyasa bahut zaruri hai. Namah shivaya. Aur वो ही गुरु कृपा करता है जो शिष्य में जिज्ञासा हो और जानने की एक प्रबल इच्छा हो. ओनली दैट गुरु डिसाइड्स टू ब्लेस दैट पीपल एंड गिव देम डीपर एंड डीपर एंड डीपर ट्रूथ्स. देयर इज अ ट्रूथ, लुक, देयर इज अ ट्री देयर, दैट्स ट्रू. इफ देयर इज अ ट्री देयर, इट इज ट्रू. देयर आर लीव्स ऑन दैट ट्री, दैट्स आल्सो ट्रू. The tree has roots which go into the earth, but you can't see them. That is also true. The tree has X number of leaves, but we don't know how many unless we count them. That's a long process. That's also true. That particular, there are certain leaves there where there are insects on them. That could be true. So many, look how many truths there were just in that one vision. And there is so much more. तो वो वृक्ष है, ये भी सत्य है.
अगर वहां वृक्ष खड़ा है, हाँ वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर इतने पत्ते हैं अगर हम गिने तो वो हाँ इतने पत्ते हैं, वृक्ष की जो जड़ें हैं वो बीच जमीन में जाती है अगर मुझे दिखाई नहीं देती, हाँ ये भी सत्य है, उस वृक्ष के ऊपर कई पत्ते हैं जहां पर कीड़े हैं, हाँ ये भी शायद सत्य हो, तो कितने सत्य है, अभी और कितने सत्य हो सकते हैं। दृष्टि कौन सी है, दर्शन कौन सा मिला है, वेयर आर वी लुकिंग, हाउ डीप आर वी लुकिंग, वट इज आवर दर्शन, वट इज आवर एबिलिटी टू सी, at what level are we that we can see these things? So it's important to have jigyasa. I'm now, for example, doing my Reiki master course, yes, and I finished that and I'm now in my 40 days of sadhana. मैंने आपको बताया होगा कि मैं अपना रेकी का जो कोर्स है अभी मैंने एक नया शुरू किया, घर में बैठे हैं तो ऐसे ही कुछ ना कुछ तो करना है, रेकी मास्टर वो कोर्स मैंने फिनिश कर लिया, अब मैं 40 दिन की अपनी साधना कर रहा हूं। अब पहले मैं अपने हाथों को ऐसे करता था और कुछ नहीं होता था, अब मैं कर रहा हूं मुझे कुछ महसूस हो रहा है, ये क्या है, ये भी जिज्ञासा है। So before I put my hands together like this, I didn't feel anything special. Now I do it with a certain process that I'm following and I'm feeling something. Why is that? That's jigyasa, that's an inquisitive nature. Why? How did that happen? Is that because, oh, I didn't realize that truth? There was a deeper thing there? Is it just because I'm chanting something? Is it just because I'm emotional? Is it just because, or maybe it's not real? Or is it just some kind of a magnetic field that just temporarily comes and goes? तो ये क्या है? चुंबक की तरह वो जो महसूस हो रहा है, ये क्या है? ये क्या अनुभव हो रहा है? क्या वैसे ही है? क्या मेरा अपने मनगत बातें हैं ये? अपने आप बनाई हुई बातें या पहले नहीं होता था अब क्यों हो रहा है? तो क्या ये वो सत्य है अब जो पहले मैंने नहीं अनुभव किया? तो ये प्रश्न होते हैं। So you have to have an inquisitive mind to learn. You have to have an inquisitive and you have to have an open mind. और दिमाग जो है मस्तिष्क खुला होना चाहिए, तभी तो आपके अंदर कुछ आपके आसपास आएगा, आप उसको फिर देखेंगे, उसका शोध करेंगे उसके ऊपर। अगर आपका पहले दिमाग बंद होगा तो वो शोध कहां से होगा, रिसर्च कहां से होगी? अगर दिमाग ही पहले आपने बंद कर लिया है, अपने आप को ही बंद कर लिया है, इस हृदय इस दिमाग को बंद कर दिया सब चीजों से, वो भी खुला होना चाहिए। सो यू हैव टू कीप एन ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड। दैट्स व्हाई नॉलेज, then some things will come in front of you, you'll experience it, you'll research it, yes? Otherwise, how? Okay, so that's important. इसलिए कहते हैं कि जो गुरु कृपा करे कोटि का पाप कटित पल छिन हूं, जो गुरु कृपा करे। So that spiritual master that gives you the blessings, if they give you the blessing, then it can start opening up. Starts opening up you. You just need to be open first to receive. Okay, jo log band hai. So those people who are closed, oh, I don't want to receive, I don't want to know, I don't need to do this, this is, no, that you're closing yourself. Obviously then why would anyone force anything upon you? I wouldn't. Main to मतलब जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर कोई कहता है मैंने नहीं जानना, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं ये जरूरी है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ठीक है, it's free will, isn't it? अपनी इच्छा है। मगर आपने आपको बंद, अपने आपको बंद कर लिया ना आपने, तो वहां पर ही सब कुछ, वो जो जो आ सकता था वो नहीं आया। सो दैट विच यू कुड हैव रिसीव्ड, दैट विच यू कुड हैव एक्सपीरियंस एंड रिसर्च्ड, यू डिडंट, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। जिज्ञासा और फिर एक व्यापक सोच, एक खुला दिमाग, इंक्विजिटिवनेस एंड देन एन ओपन एंड इंक्वायरिंग माइंड, नॉट नेसेसरली एन एक्सेप्टिंग माइंड। यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट एनीथिंग इंस्टेंटली,
But rejecting something instantly is a biggest fault of humans. किसी चीज को तुरंत स्वीकार करने के लिए नहीं मैंने कहा, मगर तुरंत उसका उसको नकार देना, ये मानव जाति की सबसे बड़ी गलती होती है। श्री There was a very powerful hymn by a very inquisitive boy that he discovered when he went in search of something. He didn't know what he was searching, but he knew there was something else. Ek chota sa bachcha, uske andar itni jigyasa thi, wo janta tha kuch hai aur kuch hai, magar ye nahi mujhe pata kya hai, magar main khula hu, mujhe bata do, main bas khoj kar raha hu. I am a seeker. Kyunki main ye nahi hu. Because I am not this. Namah Shivaya, Namah Shivaya. Main kuch aur hu, magar kya hu? Uttar aata hai Shivoham, Shivoham. Magar wo uttar nahi aaya. Ye wali jo main katha batane wala hu. That is not what came to the boy. Even though that is also an answer, that Shivoham, Shivoham, says Adi Guru Shankaracharya. But this was a person called Baba Mangatra, this young boy who became very, very inquisitive. And this mantra, this vibration, this hymn came to him. So, ye dhvani, ye mantra, ye jaap unko aaya. Jab wo गहरी साधना में गए, गहरी सोच में गए, गहरी प्रबल शक्ति उनमें थी ये कि मुझे जानना है कि मैं क्या हूं। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य, गॉड, whatever you call it, that energy, that oneness is the reality. Nirankar janma, jo nirankar hai, that which is without form but can also take form, for that which creates can also become that which has been created, and that power that creates can also take birth. But in this mantra, he sees it as Nirankar Janma. That which is without form and Ajanma, without birth. Bina paida hue, bina swarup. अद्वैत पुरखा, जो अद्वैत है, that which has no second, there is no duality, there is just that oneness, that singleness. This is what he, through his inquisitiveness, he felt. This is what he received. उनकी जिज्ञासा ने उनको ये दिया, उनको ये अनुभव हुआ, ये महसूस हुआ, ये उनको ये मंत्र आया। अद्वैत पुरखा, जहां द्वैत नहीं है, केवल एक ही है, सब कुछ सब एक ही है। सर्व व्यापक, दैट एनर्जी इज एवरीवेयर, सर्व व्यापक, that oneness is everywhere in everything. Kan kan me bhagwan, it is in every single tiniest of atoms. Ek chote jis chote kan kan me hai wo urja, wo ek pan. Kalyan mur,
जो कल्याण मूरत है, केवल कल्याण ही करती है, that which is blessings incarnate. It simply gives out blessings. It's there for everyone. Like the sun gives out its rays, it's there for everyone to receive. I bow to that great Ishwar, that great source, which is beyond all of these five elements, beyond creation, beyond the Namah Shivaya. I bow down to that. मैं उस शक्ति को नमन करता हूँ जो इस Namah Shivaya, इन पांच तत्वों से पार है. Om Brahma Satam.
It's exactly 10 o'clock. What perfect timing. तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ. I will give rest to my voice here. And I hope you all understood the power of Namah Shivaya. And how it makes us realize. And how mantras can give us that serenity and that peace of mind. And mantras are perfectly mathematical. ये जो मंत्र है, ये सृष्टि की ध्वनि है, ये एक अद्भुत गणित है, एक ध्वनि है, एक वाइब्रेशन है. इसको हिंदी में मैं कैसे समझाऊं? बस इसको महसूस करो, इसको अनुभव करो. जस्ट एक्सपीरियंस इट. हैप्पी चैंटिंग. नमस्कार एवरीवन. थैंक यू.